फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल स्टेशन। ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर। इसमें हम अपने इंट्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमारा इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, यानी कि हम इंटीजर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसमें केस 1 है टू पॉजिटिव इंटीजर। जब हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं देखते हैं। मान लिया हमारे पास दो नंबर है, एक है 4 एक है 5। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल मल्टीप्लाई करनी होती है। 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 5 20। ये इसका आंसर हो गया है। जब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो उनको सिंपल हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें हमें कोई और कुछ काम नहीं करना होता। ये हो गया 4 5 20। अब सेकेंड केस है इसमें पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। जब हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है तो कैसे करते हैं। मान लिया एक नंबर है हमारे पास 4 एंड एक है -5। हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 4 × -5। तो हम 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20। ये वाला हमारा प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब 4 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -20। जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है, और बाकी जो दो नंबर होते हैं हम उन दोनों की सिंपल ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड केस है इसमें टू नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जब हम दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं, एक है -3 एक है हमारे पास -7। दो नंबर है हमारे पास, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है -3 × -7। 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यानी कि जब हम दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा प्लस में आता है। सो -3 × -7 = 21। केस 4 है इसमें मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कि जब हम किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लिया हमने 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा है तो आंसर क्या आएगा इसमें, 0। या फिर -4 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करा है, इसमें भी हमारा आंसर आएगा 0। हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या किसी भी नेगेटिव इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सब में 0 ही आता है। फिफ्थ केस है इसमें 3 नेगेटिव इंटीजर। जब हमारे पास कोई 3 नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो हम उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3 अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उनकी सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता। लेकिन अगर 3 नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज कीजिए एक है -3 एक है -2 एंड एक है -5। हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है -3 × -2 × -5। सो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। पहले हम इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो हम इसमें कोई साइन नहीं लगाएंगे। दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करी हमने, एक पॉजिटिव आंसर आ गया। अब हम इसकी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या देगा, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, एक नेगेटिव इंटीजर हो गया। ये हो जाएगा 6 5 = 30। और जब एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो आंसर आता है नेगेटिव में, आंसर माइनस में आएगा। तो 3 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारे पास नेगेटिव आता है। सो 3 − 3 × -2 × -5 = -30। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर को मल्टीप्लाई करने की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसमें 4 प्रॉपर्टी होती है। एक होती है क्लोजर, कॉमिटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम इन सब प्रॉपर्टी को एक एक करके डिटेल में करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर देन ए मल्टीप्लाई बाय बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। यानी कि हमें दो इंटीजर दिए हुए हैं ए बी, मान लिया एक है 3 एंड एक है 5। ये दो हमारे पास इंटीजर है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर एक इंटीजर ही होना चाहिए, यानी कि 3 × 5 = 15। ये एक इंटीजर है, यस एक इंटीजर है, या फिर -2 और 3। -2 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है।
आंसर नेगेटिव आएगा, आंसर हो गया -6। -6 भी एक नेगेटिव, -6 भी एक इंटीजर है। तो हमने क्या देखा है, जब हम कोई दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा इंटीजर ही आता है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लीकेशन से सेटिस्फाई होती है, ये हमें आंसर इंटीजर में ही देगी। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर एक इंटीजर ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर देन ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। यानी कि ए भी हमारे पास दो इंटीजर है, अब हम उनको ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा दोनों में एक जैसा आना चाहिए। करके देखते हैं एग्जाम्पल, हम दो नंबर लेते हैं, ए के हमारे पास 2, ए के -5। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, तो आंसर क्या आएगा इसका -10। दूसरे तरीके से करते हैं, पहले -5 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, सो 2 5 10 होता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब यह 5 2 10 ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में। तो दोनों का आंसर क्या आया है, -10 -10, दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल आया है, दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल आया है। तो इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो जाती है, इसमें हमें दोनों का आंसर एक जैसा ही मिलता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमारे पास 3 इंटीजर है ए बी एंड सी, तो हम उन तीनों इंटीजर को ऐसे रख के मल्टीप्लाई करें या ऐसे, पहले एक को हम बाद में करेंगे, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें या फिर पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसके बाद सी से करें, हम दोनों में सी किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर एक जैसा आना चाहिए। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मान ली एग्जाम्पल में हमने कोई 3 डिजिट लेते हैं, हम 2 3 and 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 multiply 3 multiply by 5, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर बाद में 2 से करेंगे, या फिर पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं, 2 multiply by 3 5 is 15 और इधर 2 3 is 6 multiply by 5, ये हो जाएगा 15 2 is 30 and 6 5 is 30। तो इसमें दोनों का आंसर क्या आया है, इसमें भी 30 है इसमें भी 30 है, दोनों का आंसर इक्वल आया है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो जाती है, जब 3 इंटीजर दिए हुए होते हैं तो हम उन तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे करें, दोनों में हमारा एक जैसा ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास 3 इंटीजर होते हैं ए बी सी, उसमें हमें किसी प्रॉपर्टी को हमें ऐसे करना होता है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद हम उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम पहले इस ए की इसमें मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसी ए की सी में मल्टीप्लाई कर दें और फिर बाद में हम दोनों को प्लस कर दें, तो भी हमारा आंसर एक जैसा ही आएगा। यानी कि ये इस प्रॉपर्टी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसकी कैलकुलेशन हमने थोड़ी आगे बढ़ा दी है। पहले ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए की सी से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम दोनों को प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल, हमारे पास 3 नंबर है 3 5 and 7, तो हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 plus 7 से, ऐसे करें, या फिर दूसरी बात हम 3 की पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 3 की 7 से मल्टीप्लाई कर दें और बाद में हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे इसको, 3 multiply 5 plus 7 हो गया 12 और इधर 3 5 is 15 plus 3 7 is 21। अब हम 12 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 3 36 और इन दोनों को प्लस करेंगे 5 1 6 and 1 2 3, ये हो जाएंगे दोनों प्लस करके 36 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 36। यानी कि हम किसी क्वेश्चन को इस तरह से कैलकुलेट करें या इस तरह से कैलकुलेट करें, दोनों में हमारे आंसर इक्वल आएगा। ये जो प्रॉपर्टी थी ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था, बी सी को प्लस करके हमें ए से मल्टीप्लाई करना है। हमने पहले प्लस नहीं करा, हमने पहले दोनों को मल्टीप्लाई करा, ए की बी से भी मल्टीप्लाई करी और ए की सी से भी मल्टीप्लाई करी। ये क्या होता है कि जब हम किसी नंबर से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं ना, हमें उसकी सबसे मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे यहाँ पे हमने ए को 5 से भी मल्टीप्लाई करा है और फिर ए को 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करा है,
थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करा है और फिर थ्री को सेवन से, लेकिन आंसर हमारा दोनों का इक्वल आया है, दोनों में, इसमें भी 36 है और इसमें भी 36 है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिवीजन ऑफ इंटीजर, इंटीजर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट केस होता है टू पॉजिटिव इंटीजर, जब हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो हम उनको कैसे डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल एक है हमारे पास 24 और इसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या करेंगे, 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6। तो 24 को 4 से डिवाइड करने पे 6 आया, दोनों पॉजिटिव इंटीजर थे, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल हमने डिवाइड करा है और डिवाइड करके जो हमारा आंसर आया है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर आया है, 24 को 4 से डिवाइड करने पे 6 आता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, जब हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है, मान लिया एक है 21 और इसे हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 21 माइनस 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 21 को 3 से डिवाइड करने पे आता है 7, और एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब ऐसे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो आंसर हमारा मन नेगेटिव में आता है, तो माइनस 21 को 3 से डिवाइड करने पे आएगा हमारे पास माइनस 7। अब नेक्स्ट है टू नेगेटिव इंटीजर, जब हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो तब कैसे करते हैं, मान लिया एक है हमारे पास माइनस 10 एंड एक है माइनस 2, माइनस 10 को हमें माइनस 2 से डिवाइड करना है, 10 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है 5 आएगा। अब जब हमारे पास दोनों नेगेटिव इंटीजर होते हैं ना तो उसका आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, दो माइनस 10 को माइनस 5 से डिवाइड, माइनस 2 से डिवाइड करने पे 5 आएगा, दो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करने पे आंसर हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर, इंटीजर को डिवाइड करने की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और कौन कौन सी इनमें सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम इन तीनों प्रॉपर्टी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों में से डिवीजन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और कौन सी नहीं होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर देन ए डिवाइड बाय बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, यानी कि ए और बी दो इंटीजर है तो ए को बी से डिवाइड करने पर भी इंटीजर ही आना चाहिए। अब इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं कि आता है या नहीं आता। मान लिया हमारे पास दो नंबर है, एक है 8 एक है 2, 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4, दो इंटीजर थे हमने दोनों इंटीजर को डिवाइड करा है तो आंसर हमारा इंटीजर आया है। लेकिन अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया एक लेते हैं हम 10 और एक लेते हैं हम 7, हम 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10/7, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये डिवाइड हो गया कोई इसमें आंसर नहीं आया, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, ये इंटीजर नहीं रहा। तो जब जब हम कोई दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो कभी तो उसका आंसर इंटीजर आ जाएगा और कभी नहीं आएगा, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी डिवीजन से सेटिस्फाई होती नहीं होती, क्योंकि ये कभी आंसर दे देती है और कभी नहीं देती। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में इसमें हमें 4 आया, इसमें इंटीजर आ गया, लेकिन इसमें 10/7 है जो कि इंटीजर नहीं है, एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन से सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी दो इंटीजर हैं तो हम ए को बी से डिवाइड करें या बी को ए से डिवाइड करें, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल आती है तो प्रॉपर्टी डिवीजन से सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं आती है तो प्रॉपर्टी डिवीजन से सेटिस्फाई नहीं होगी। हम इसके लिए एग्जांपल में कोई नंबर लेते हैं, हमने दो नंबर लिए हैं 10 एंड 2, पहले हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करने में 5 आएगा, और ऐसे ही अब हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, 2 को 10 से डिवाइड करने पे ये 2/10 हो जाएगा जिसका आंसर 1/5 आएगा। तो इसमें क्या देखा, एक में आंसर हमारा 5 आया है और एक में 1/5 आया है, तो इसमें क्या देखा हमने कि दोनों में हमारे आंसर अलग अलग आए हैं, एक जैसे आंसर नहीं आए, इसलिए ये प्रॉपर्टी डिवीजन से सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ए को बी से डिवाइड करने पे और बी को ए से डिवाइड करने पे एक जैसे आंसर नहीं आए, दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स
देन ए डिवाइड बाय बी इज डिवाइड बाय सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड ब्रैकेट में बी डिवाइड बाय सी, यानी कि ए और ए बी एंड सी हमारे पास तीन इंटीजर हैं, और अगर वो तीनों इंटीजर को हम ऐसे करके डिवाइड करें या ऐसे करके डिवाइड करें, हमारा आंसर दोनों में सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन से सेटिस्फाइड नहीं होगी, लेकिन अगर सेम नहीं आता है तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन से सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने कोई तीन डिजिट ली है, 20, 10 एंड 2। पहले हम 20 डिवाइड बाय 10 एंड 10 डिवाइड बाय 2, पहले इसमें हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और इधर 20 डिवाइड बाय 10 डिवाइड करेंगे हम इसे 2 से। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है तो होता है, तो पहले हम दोनों का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 20 को 10 से डिवाइड करने पे 2 एंड ये डिवाइड बाय 2 ऐसे ही आ जाएगा, और इधर 20 ऐसे ही लिखेंगे और पहले ही ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। 10 को 20 से डिवाइड करने पे आता है 5। अब इधर हमने 2 को 2 से डिवाइड करा है 1 आएगा, और इधर 20 को 5 से डिवाइड करा है 4 आया, तो क्या देगा इसमें हमने दोनों का आंसर इक्वल नहीं आया है, इसमें 1 आया है इसमें 4 आया है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी डिवीजन से सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन रूल। कैलकुलेशन रूल क्या होता है कि मतलब जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें उसका सही प्रॉपर तरीका क्या होता है कैलकुलेशन करने का, उसके लिए हम यूज करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट बी से ब्रैकेट ऑफ मी ओ मीन्स ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एड, एस से सब्ट्रैक्ट। यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो भी ब्रैकेट है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, एंड फिर लास्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 23 प्लस 18 डिवाइड करेंगे हम इसको 8 माइनस 2, ये ब्रैकेट में हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम, तो बाकी सब कुछ हम ऐसे उतार लेंगे। 23 प्लस 18, 8 में को 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है और ये हो जाएगा 8 में से 2 माइनस करने के बाद 6 प्लस 3, और इस 3 के हम माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा माइनस का नंबर है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। ये हो जाएगा 23 प्लस 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब हमें डिवाइड करना है, 18 को 6 से डिवाइड करने पे आएगा 3 प्लस 3 इंटू माइनस 4। डिवाइड के बाद अगला स्टेप है मल्टीप्लाई, अब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 23 प्लस 3, और ये हो जाएगा 3 की 4 से मल्टीप्लाई करिए हमने 12 आया है, ये पॉजिटिव नंबर है ये नेगेटिव नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। इन दोनों को काम कर लिया, अब हम प्लस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऐड। 23 में हम 3 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 26 माइनस 12। अब लास्ट है हमारा सब्ट्रैक्ट, तो अब हम इन दोनों को काम करेंगे, 26 में से हम 12 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 14। तो ये होता है कैलकुलेशन रूल। कैलकुलेशन रूल के लिए हम क्या यूज करते हैं, बोर्ड मास। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेशन थी उस कैलकुलेशन को करा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज ओपन कर दिया है, फिर हमने डिवाइड करा है 18 को 6 से डिवाइड करा है, फिर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा है 3 की माइनस 4 से मल्टीप्लाई करिए माइनस 12 आया, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया है 23 प्लस 3, और फिर लास्ट में हमने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रैकेट। ब्रैकेट के कौन कौन से टाइप होते हैं, एक ये वाला ब्रैकेट होता है जो बॉक्स की तरह बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल ब्रैकेट। एक ऐसे कर्ली सा बना होता है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। और ये जो सी टाइप से बना होता है, ये सी हो गया, ये उल्टा सी हो गया, इसको बोलते हैं हम कॉमन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के टाइप्स होते हैं। ये इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1।